हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 में लेके जो बात करेंगे, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जानेंगे, यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, यानी कि 12th पास पर आपके क्या क्या पोस्ट रहने वाले हैं, आप ITI किया तो कौन सा पोस्ट रहने वाले हैं, आप किस टेक्नीशियन डिग्री से है, आपके लिए क्या क्या पोस्ट रखने वाले हैं, और जो PCM वाले इनके कमेंट ज़्यादा रहते हैं कि PCM वाले मैं किस किस पोस्ट के लिए अवेलेबल हूँ, इसके लिए बात करेंगे। एन PCM के बारे में बताएंगे, किस जोन में आपको कितनी शॉर्ट है, टोटल जोन वाइज देखेंगे, जैसे कि मैंने आप थंबनेल आपको बताया था, टॉप जोन के बारे में बताएंगे, यानी कि जितने भी टॉप 10 जोन, यानी कि टोटल आपको पता है किस जोन में भर्ती है, तो हम लोग पूरा टॉप जोन के बारे में बात करेंगे और इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सारी डिटेल के साथ हम जानेंगे। तो दोस्तों, जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स आपको हम कॉपी पेज पर बताते, ताकि सबसे पहले वहाँ सारी चीज़ समझ जाते, फिर आगे की बात हम करेंगे। तो RRB टेक्नीशियन की हम बात करेंगे, इसमें टोटल पोस्ट जैसे आपको पता है कि 9,144 पोस्ट पर भर्ती है। इसी भर्ती के बारे में हम लोग टोटल जानकारी जानेंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी लेवल 1 का है, यानी कि ग्रेड 1 का या ग्रेड 3 का। PCM के लिए जानेंगे, खास करके PCM के लिए किस जोन में सबसे ज़्यादा सीट है, ITI के लिए सबसे ज़्यादा किस जोन में सीट है, टोटल ओवरऑल किस जोन में सबसे ज़्यादा सीट है, तो ये सारी बातें हम लोग A to Z जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक बने रहे, आपकी सारी जानकारी मिल जाएगा। बाकी सबसे पहले बेसिक जानकारी जानते हैं, जैसे ग्रेड A में आपको टोटल 1,092 टोटल पोस्ट है, ग्रेड 3 में आपको 8,052 टोटल पोस्ट है, जिसमें हम बात कर ले, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेड 1 के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करें उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th+ITI है तो भी आपके काम चलेगी, 12th+ITI है तो भी आपके काम चलेगी, तो यानी कि 10th या 12th+ITI होनी चाहिए तो आप ग्रेड 3 के लिए अवेलेबल है। अगर हम PCM की बात करते, जो PCM कैंडिडेट है उसके लिए ओनली एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। टोटल 18 पोस्ट के बारे में हम बताए थे, जिसमें टोटल 15 नंबर पोस्ट जो होंगे वो ओनली PCM के लिए, तो वो PCM जो मैथ सेट उसके लिए ओनली 15 नंबर पोस्ट है, यानी हर एक जोन में जो 15 नंबर की पोस्ट होगी वो आपके लिए रिजर्व रखा गया। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए आपको BA चाहिए, BTEC चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, BSSC में इंजीनियरिंग चाहिए, BSSC इंजीनियरिंग चाहिए, ये सब को आपको ग्रेड 3 के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यानी कि ग्रेड 1 के लिए ये हो सकता है और ग्रेड 3 के लिए आपको ये सारे वैकेंसी चाहिए, जो कि यहाँ मैंने गलत से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कर दिया, तो यहाँ आप सही कर लेंगे। अगर हम आगे बात कर लें इसमें, यानी कि ग्रेड 1 के लिए आपको टोटल ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए और ग्रेड 1 के लिए, यानी ग्रेड 3 के लिए आपको ITI+ 10th+ रहे PCM है तो आप ग्रेड 1 ग्रेड 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले सबसे पहले, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहना था दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एक ही एग्ज़ाम लगेगी, यानी कि CBT 1 एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसी पर आपकी मेरिट बनेगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी मेडिकल देन लास्ट में लिया जाएगा, जो कि आप चश्मा भी पहन के इसमें मेडिकल दे सकते हैं, चश्मा पहन के भी आपको 6x9 आपका है या 6x6 भी है तो आपको चलेगा। तो दोस्तों, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आगे अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ भी आप बड़े बना लीजिएगा, ग्रेड 3, ये ग्रेड 3 का है और ये ग्रेड आपकी 1 की है, तो यहाँ भी आप ग्रेड 3 ग्रेड 1 बना लेंगे। और आगे इसकी सिलेबस की बात करें, ग्रेड 3 की सिलेबस जिसमें ITI या 12th पर है, तो दोस्तों उसके लिए मैथ आपको 25 क्वेश्चन चाहिए, रीजनिंग से आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहना चाहिए, साइंस से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और GK ग्रैंड मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, सिलेबस देख सकते हैं, आपको मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करना है और आपको इसके बाद साइंस को ध्यान देना, GK पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ओवरऑल हम बात कर ले तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क हो गया, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा की आपकी टाइमिंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाले, तो ये होगी आपकी ग्रेड 3 की सिलेबस, जो ITI वाले कैंडिडेट होंगे वो और जो PCM वाले उनके लिए। अगर हम ग्रेड 1 की बात कर ले सिलेबस की, तो इसमें आपको मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे और GK से आपको टोटल 10 क्वेश्चन इसमें रहने वाले, यानी कि GK से इसमें 10 क्वेश्चन रहेगी। तो दोस्तों, इसमें टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क हो गए, 90 मिनट की टाइमिंग हो गई, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहेगी आपको ग्रेड 1 की, तो ये सिलेबस आपकी ग्रेड 1 की और ये सिलेबस आपकी ग्रेड 3 की हो गई। ये PCM+ITI है, ये PCM+ITI रहेगी, ये आपको बाकी जो ग्रेड 1 वाले हैं वो BE, BTEC, BSc वाले जो होंगे इंजीनियरिंग से उसके लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पोस्ट ITI पर है, non-ITI पर, तो यानी कि ग्रेड 3 की पोस्ट हम बात कर लेंगे, ग्रेड 3 की पोस्ट यानी टोटल जो 8,052 टोटल पोस्ट है ग्रेड 3 की और 1,092 आपको ग्रेड 1 की पोस्ट है।
जिसमें आईटीआई के लिए 6557 टोटल 87 टोटल पोस्ट है जो आईटीआई कैंडिडेट होंगे उनके लिए, और जो नॉन आईटी यानी कि जो पीसीएम है उनके लिए 1400 टोटल पैंस है डिफरेंट डिफरेंट जोन में। अब हम जोन वाइज देखेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी सीट है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने पूरी टॉप मोस्ट वैकेंसी जोन वाले लिखे हैं, यानी कि टॉप मोस्ट वैकेंसी जो टोटल 10 से 12 मैंने ऐसे जोन के बारे में लिखे है, जिसमें फुल डिटेल्स आपको हम बता देंगे कि ग्रेड ए में कितनी है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं जोन ग्रेड वन में कितनी सीट है, ग्रेड थ्री में कितनी सीट है, पीसीएम वाले के कितनी सीट है, आईटीआई वाले के लिए कितनी सीट है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है आरआरबी टेक्नीशियन का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा है वो इसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और सारी जानकारी आप जान पाएंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी हमारे क्वालिफिकेशन के मुताबिक आए हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मुंबई जोन की। तो मुंबई में अगर ग्रेड वन से अप्लाई करते हैं तो टोटल 152 पोस्ट है, ग्रेड थ्री में आपको 1132 पोस्ट है, जिसमें अगर हम इस पोस्ट पीसीएम और आईटीआई का जो देख रहे हैं वो ग्रेड थ्री के मुकाबले देख रहे थे। दोस्तों ये आप नहीं समझेगा, इसमें ग्रेड वन इंक्लूड नहीं है। तो पीसीएम के लिए 144 सीट है और आईटीआई के लिए 988 सीट है, टोटल 1132 में। जो पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये पीसीएम आईटीआई जो मैंने लिखा है ये ग्रेड थ्री के लिए ओनली लिखा है, इसमें ग्रेड वन की छोड़ के। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड नंबर में, तो चेन्नई जोन है जो मोस्टली जिसमें ग्रेड वन के 48, ग्रेड थ्री के आपको 785 है, जिसमें पीसीएम आपको 71 और आईटीआई को आपको 714 है। थर्ड नंबर पर बिलासपुर जोन आती है जिसमें 95 आपको ग्रेड वन की है, ग्रेड थ्री के आपको 766 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपको पीसीएम आपको 174 और आईटीआई 592 पोस्ट है। अहमदाबाद जोन की बात कर ले तो ग्रेड वन की 74 पोस्ट है, ग्रेड थ्री के आपको 687 पोस्ट है, जिसमें पीसीएम आपको 106 और आईटीआई आपको 581 है। अगर हम बात सिकंदराबाद की कर ले 5 नंबर में, तो टोटल आपको 76 पोस्ट ग्रेड वन की है, 668 आपको ग्रेड थ्री की है, जिसमें 144 आपको पीसीएम और 524 आपकी हो गई आईटीआई वाले के लिए। अगर हम 6 नंबर में बात कर ले गुवाहाटी जोन की, तो इसमें टोटल 16 को पोस्ट है आपकी ग्रेड वन के लिए, 608 आपको टोटल हो गए ग्रेड थ्री में, जिसमें आपको 54 हो गए पीसीएम के लिए, अब 554 हो गए आपकी आईटीआई के लिए। तो दोस्तों 554 आईटीआई वाले के लिए। तो ये टोटल 6 देख लिए। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे कुछ जोन के बारे में देखते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट में 7 नंबर में अजमेर जोन के बारे में बात करें, तो ग्रेड वन की आपको टोटल 69 सीट है यहाँ पर, जबकि ग्रेड थ्री का आपको 453, जिसमें पीसीएम आपकी 98 और आईटीआई के लिए 355 सीट है टोटल। अब हम कोलकाता की बात करें, तो कोलकाता में ग्रेड वन की आपको 74 है, ग्रेड थ्री में 432 है और पीसीएम के लिए 144, आईटीआई के लिए 288 टोटल सीट है। भोपाल जोन की बात करें, तो भोपाल में ग्रेड वन की आपको 79 है टोटल सीट, जबकि टोटल ग्रेड थ्री की 373 है और पीसीएम के लिए 78, आईटीआई के लिए 295 सीट है। नेक्स्ट में रांची की बात कर ले, तो रांची आपको 29 है ग्रेड वन के लिए, 321 आपको ग्रेड थ्री के लिए, पीसीएम के लिए 92 और आईटीआई के लिए 229 सीट है। मालदा की बात करें, तो मालदा में 17 ग्रेड वन के लिए, ग्रेड थ्री के लिए 258 और पीसीएम के लिए 59 और आईटीआई के लिए 199। नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तो 35 को ग्रेड वन की है, जबकि 256 ग्रेड थ्री की है, 54 वो आपको पीसीएम के लिए है और 202 आपके आईटीआई वाले के लिए। नेक्स्ट बात कर ले त्रिवनंतपुरम के लिए, जिसमें 30 आपको ग्रेड वन के लिए, 248 ग्रेड थ्री के लिए, जिसमें 39 आपको पीसीएम के लिए और 209 आपके आईटीआई वाले के लिए। तो दोस्तों मैंने टोटल टॉप 13 जोन के बारे में बता दिया, यानी कि 21 में से टोटल आपको 13 बता दिया, जो से 9 ही ऐसे जोन बच गए जिसके बारे में नहीं बताया हूँ। टोटल 13 जोन है जिसके लेके आप देख सकते हैं कि आप आईटीआई से है तो किसके लिए आपके लिए कौन सा जोन में बेहतर सीट है, आप पीसीएम वाले तो कौन ज़्यादा बेहतर है, आप बीटेक बीएई डिप्लोमा वाले सब है तो आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो ये आपको ये वीडियो देखने के बाद सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस जाएंगे, यानी कि टोटल जो 18 कॉलेज है तो 18 कॉलेज के पोस्ट प्रेफरेंस देंगे आपको, कि एक नंबर पे कौन से देना चाहिए आपको, दो नंबर पे कौन देना चाहिए, तीन नंबर पे कौन देना चाहिए, चार नंबर पे कौन देना चाहिए। जिस हिसाब से अगर पहले में नौकरी नहीं हुई तो आपको दूसरे में होगी, दूसरी तो तीसरी चौथे,
तो हम पोस्ट इस बात करेंगे पोस्ट पेमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल जोन के बारे में हम बताएं। दोस्तों आप लोग ने सारा चीज़ देख लिया है कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ग्रेड वन की सिलेबस क्या है, ग्रेड थ्री की सिलेबस क्या है, किस पोस्ट यानी कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, ग्रेड वन की, ग्रेड टू की या ITI की है तो उसके लिए कितनी सीट है, नॉन ITI है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के लिए कितना सीट है, पूरा जोन वाइज अब आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, यानी कि पता पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, ITI वाले के लिए कितनी पोस्ट है, नॉन ITI वाले कितनी पोस्ट है, वो हम वीडियो पहले ही बना चुके, उसके पूरा डिस्कस हम पूरी नोटिफिकेशन के माध्यम से किए थे, वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर देख ले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से देना चाहिए, अगर फिट है तो आपके लिए कितने कितने पोस्ट है जो अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल है उसके लिए कितने, इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए कितने, डीजल मैकेनिक उसके लिए कितने, टोटल पोस्ट प्रेफरेंस जानेंगे कौन से अच्छा पोस्ट है, किस में ज़्यादा कम काम करना पड़ता है, किस में ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम कर रहा था, वो पोस्ट हिसाब से डिस्क्राइब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जो भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न जॉन वाइज वैकेंसी पूरा डिटेल समझाने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता देंगे, आपके अपने नॉन ITI वाले तो भी ITI वाले तो भी सारे के लिए वो वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाले, 1 से 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।